पांच राज्यों में जा रहे विधानसभा चुनावों के इस मौसम में आम आदमी पार्टी को अपने दो ट्वीट्स के लिए निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब गुरुवार शाम 7 बजे तक देना है। अब ये बताएं कि निर्वाचन आयोग ने आखिर क्यों नोटिस दिया है, क्यों जवाब मांगा है, क्यों सफाई मांगी है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दो पोस्ट किए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिस पर बीजेपी को आपत्ति है, और वो आपत्ति ये बताई जा रही है कि उसमें सीधे सीधे उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है और ये आपत्तिजनक ट्वीट हैं। अगर हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें 1951 की, तो उसकी कई धाराएं हैं जिसके ये बताती हैं कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी किसी भी उम्मीदवार पर, स्टार प्रचारक पर नहीं कर सकते हैं। आपको जो बात करनी है नीतियों की करनी है और राजनीति की बात करनी है। लेकिन इस पर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन है बल्कि IPC की धाराओं में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाए। साथ ही जो RP एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके तहत भी ये मामला आपत्तिजनक है जिस पर ये अपराध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने उन ट्वीट्स का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी किया है और बृहस्पतिवार तक यानी 16 नवंबर शाम 7 बजे तक उनसे जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज ये कहा है कि वो जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि उन्होंने जो बीजेपी के खिलाफ शिकायत की थी इस पर निर्वाचन आयोग ने उनको नोटिस जारी नहीं किया है, उनसे जवाब नहीं मांगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने लीगल टीम के साथ संपर्क में हैं, जवाब तैयार किए जा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि जवाब ऐसे दिए जाएं जिससे कि कानूनी रूप से वो सही हों, यानी अपना बचाव भी हो जाए और निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग उनके जवाब से कितना संतुष्ट होता है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग में पुराने रिकॉर्ड्स की, तो उसमें नोटिस जाते हैं और नोटिस जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि आयोग सीधा ब्रह्मास्त्र उठा लेता है। हालांकि आयोग के पास अपरिमित शक्तियां हैं, आयोग पार्टी की मान्यता तक रद्द कर सकता है, लेकिन अमूमन होता यह है कि आयोग इन राजनीतिक मामलों में या तो चेतावनी देकर छोड़ देता है, अपनी नाखुशी जाहिर करता है और ये बताता कि भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे। तो कुछ वैसा ही हो सकता है जिसमें निर्वाचन आयोग इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के दलीलों से, उसके जवाब से कितना संतुष्ट होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दलीलों से संतुष्ट ना हो तो आम निर्वाचन आयोग उस पर अपनी असंतुष्टि, नाराज़गी जाहिर करे और ये चेतावनी दे कि आइंदा भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो अमूमन यही होता है कि चूँकि आदर्श आचार संहिता ये कहते हैं कि ये एक तरह का नैतिक आचार संहिता है जिसमें कि आपको नैतिक रूप से चीज़ों को बहुत ही सक्रियता के साथ देखने की बात होती है। आयोग का ये भी कहना है कि ये कोई दंडात्मक नहीं है बल्कि ये सुधारात्मक है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को अपने नैतिक चरित्र को, कार्यकलापों को नियंत्रित रखना चाहिए। तो इस चुनाव आचार संहिता पर देखते हैं कि आगे आयोग की भूमिका क्या रहती है, आयोग किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन फिलहाल अभी सबको इंतज़ार है आम आदमी पार्टी के जवाब का और ये जवाब में आम आदमी पार्टी क्या लिखती है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।